नमस्ते, मेरा नाम पूर्वी यादव है। इस बार हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गांव खुशीपुरा, जो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में है, वहां पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम के तौर पे मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन है जो सारे विश्व में सेलिब्रेट करता है महिलाओं की अलग अलग क्षेत्र में सफलता पर। ये जो दिवस है, ये जो दिन है, वो महिलाओं की सिर्फ स्ट्रगल्स और सफलता है नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जहाँ पर सारे लोग मिलकर इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं ताकि महिलाएँ जागरूक हो पाएँ और जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ। जब हम सेलिब्रेशन कहते हैं या फिर एक उत्सव की तरह मनाते हैं, उत्सव तब तक कंप्लीट नहीं होगा या पूरी तरीके से सफल नहीं होगा जब तक हर महिलाएं इस सेलिब्रेशन का हिस्सा ना बन पाए। हम अक्सर जब से साहस की शुरुआत की है 2017 में, हम हमेशा दिल्ली में अलग अलग वर्कशॉप एक्टिविटीज़ के जरिए यहाँ की महिलाओं को जागरूक करते हैं ताकि वो जेंडर आधारित हिंसा को समझ पाएँ। इस बार हमने सोचा है कि ये काम को हम अपने गांव में ले जाएं, गांव में, क्योंकि वहां पर ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो हिंसा के लिए ना कह सकती हैं। इसके कई कारण हैं। पूरे एक भी स्कूल नहीं है हमारे गांव में, ना ही 10 किलोमीटर की रेंज में कोई सरकारी अस्पताल है जहां पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर बातचीत करी जाए, ना ही उनके माँ बाप उतने एजुकेटेड हैं या जागरूक हैं कि वो लड़कियों को और महिलाओं को ये जानकारी दे पाए। तो ये हमारी एक तरीके की पहल है कि ये जो जानकारी है, जो एक बात है जो हम पूरा विश्व ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो गांव में भारत के कोने कोने तक ले जा पाए। मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ाई तब तक पूरी नहीं होगी जब तक सभी महिलाओं तक ये जानकारी नहीं पहुंचेगी। तो ये एक पहल है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने अपना जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था तब मैंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सुना था, और तब मैंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सक्सेस की, उन्होंने किस तरीके से सफलता पाई है, पर हम कभी भी चुनौतियों की बात नहीं करते, कभी भी हम ये बात नहीं करते कि ये जो मुद्दा है वो कितना गहरा है। तो बस उसी चीज़ को ले जाकर हम अपने गांव में जेंडर आधारित हिंसा, शारीरिक बदलाव, और किस तरीके से गांव की महिलाओं को आगे ला पाएँ, उसकी एक पहल है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम सबको सपोर्ट करेंगे इस पहल में। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जेंडर समानता गांव तक पहुंचे, तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं, हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। डिटेल्स हम अपने सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।